जिसी का डर। मम्मी जी कैसा हो गया तुम्हारा पूरा शकल उतर गया पूरा। शूट कर रहे हैं, लेना चाहिए। हो जाता है नहीं, क्या व्लॉगिंग के चक्कर में हो जाता है। और वो चेहरे पे दिख जाता है। ऑडियंस इतनी स्मार्ट है ना, सब उनको पता चल जाता है। बहुत भागदौड़ हो गया था हॉस्पिटल के चक्कर यहाँ वहाँ, बट अब थोड़ा सा मामला ठीक है। ऐसा एकदम पूरा कम्प्लीटली ठीक नहीं हुआ है, थोड़ा सा ठीक हुआ है, नॉर्मल हुआ है। तो इसीलिए फिर वापस हम कैमरा उठा लिए बात करने के लिए आपसे। शफीक अभी जा रहा है मैच खेलने के लिए है। तो इसका ना टूर्नामेंट होता है हीरा पन्ना वाला, तो अब ये जाएगा और ये जो लास्ट टाइम इसने ट्रॉफी जीता था हीरा पन्ना का season 3, अभी क्या season 4 चल रहा है। टोटल हुए 7 6 अपने पास है, 6 ट्रॉफी तेरे पास है। अरे वाह, ठीक है रख देते हैं इसकी ट्रॉफी। रात को हो रही थी बारिश, बिल मौसम, और बारिश हो रही थी ना, मेरा सिर्फ ध्यान जा रहा था मेरी बाइक पे, क्योंकि मैंने ना उसको चद्दर से ढका हुआ है। तो क्या है कि उस पे गंदा तो पहले से था, अब पानी गिरेगा बाइक पे चद्दर के ऊपर, और वो पानी सींच के फिर बाइक पे गिरेगा। तो अभी बाइक की हालत देखनी है क्या हो गई है, उसके लिए कवर ऑर्डर करेंगे। अरे करना तो था रे, सरदार खान दे दीजिए हमें BMW की चाबी। सब प्रॉपर है कि नहीं? फॉर्च्यूनर यार जब से हम ट्रिप करके आया ना तब से उसको धुलवानी थी, अब तक धुलवाया नहीं, इतना आलसी बना हो गया है। बाकी सब बराबर है। ये देखिए ये पूरा अभी जम गया है, पूरा का पूरा जम गया। देखते हैं कितनी गंदी हुई है अंदर से, सब गीला गीला तो हो गया है। ओ जिसी का डर था वही हुआ। रे बाबा क्या पानी गिरने की वजह से जो ऊपर कचरा था वो सारा कचरा गाड़ी के ऊपर आ गया है। अभी इसके लिए एक प्लास्टिक की थैली खरीदनी पड़ेगी। बिन मौसम बरसात हो रहा है मुंबई में, क्या बोलने का भी भाई लोग। थोड़ा थोड़ा गीला है ये, अपने आप सूख भी गया। को मेरी जान को एक अच्छा वॉश चाहिए। ओके मेरी जान, जागने का टाइम हो गया आपका। अभी जा रहा हूँ घर, संडे का टाइम है, संडे स्पेशल शायद से बना होगा क्योंकि मम्मी की तबीयत अभी भी कम्प्लीटली ठीक हुई नहीं है। यार मुंबई में बारिश हो गई आज है, मुंबई में बारिश किस मौसम में, अप्रैल में मुंबई में बारिश। और मेरा ऐसा है कि बारिश शुरू होने से पहले मेरे को एक लॉन्ग राइड तो इस बाइक से करना है। तो प्लान सब सेट था, सब कुछ एकदम प्रॉपर चल रहा था, बट फिर मॉम की तबीयत है जो ठीक हो नहीं रही थी, जिसकी वजह से सारे प्लान्स को मैंने पोस्टपोन कर दिया। तो हमारे इंटरनेशनल प्लान, हमारा जो डोमेस्टिक प्लान, हमारा जो इस बाइक को लेके जो लॉन्ग राइड करना था उसका प्लान, सारे प्लान हमारे पोस्टपोन हो गए। बट यू नो करेंगे ज़रूर, क्योंकि जब एक बार बारिश हो गई तो ये बाइक का तो मैं हाथ नहीं लगाने वाला हूँ। तो जो भी है बस अभी एक दो महीने के टाइम में ही कम्प्लीट करना है। कैसा हो गया तुम्हारा पूरा शक्ल उतर गया पूरा? ठीक हो जाएगा, ठीक तो हो जाएंगे। सब लोग दुआ कर रहे हैं, डॉक्टर दवाई दे रहे हैं, ठीक हो जाएगा। बुखार है, गरम है, सबके लिए हम भी दुआ करते हैं सब अच्छा रहे। क्या खा रहे हो रेडी? रोटी फ्रेश है? हाँ अभी बनाया, अभी बनाया हुआ रोटी है ना, अभी तब ठीक है। चने के साथ मेहमान लोग बहुत है ना, तो रोटी का चना बनाया। बासी कोई चीज नहीं, सिर्फ एकदम फ्रेश खाना खाना। आओ सूफी, आओ। क्या लगता है दादी को क्या हुआ है? दादी को बुखार आया। बुखार आया है? हाँ। अच्छा, हम लोग रहजा में लगभग 5 दिन तक एडमिट थे। तो 5 दिन में प्रॉपर मेडिकेशन नहीं मिला, 5 दिन पूरा टेस्टिंग चल रहा था। तो पहले दिन एक्सरे हुआ, दूसरे दिन सोनोग्राफी हुआ, तीसरे दिन सिटी स्कैन हुआ, एंड देन फिर चौथे दिन भी एक टेस्ट हुआ था जिसको कोलोनोस्कोपी कहते हैं। फिर उसके बाद में एक क्या था वो बायोप्सी,
इसको बंद करो, बंद करो, ब्लॉक कर रहा हूँ ना। एसी चालू करो, एसी चालू करो, एसी। फैन की आवाज आएगी तो फिर व्लॉग नहीं हो पाएगा। सो ये सारे जो रिपोर्ट है उससे ये पता चला है कि जो मम्मी की जो वो बड़ी आंत जो है ना उस पे अल्सर हो गया, तो इतना सीवियर नहीं है वो, ठीक हो जाएगा। बाकी एक और हमें पता चला है कि जो गॉल ब्लैडर है उसमें स्टोन्स है, तो गॉल ब्लैडर स्टोन्स का मतलब नॉर्मली सब लोग को होता ही है, जिसकी वजह से जो छाती का पेन आपको हो रहा था वो उसकी वजह से हो रहा था। एंड फिर मम्मी को घुटना भी दर्द दे रहा है, पूरा घुटना सूज गया है, पूरी जिंदगी मम्मी की दवा में कट रही है, और आप लोग दुआ कीजिए आगे ठीक हो जाएंगे मम्मी जल्दी, कोई टेंशन की जरूरत नहीं है, ठीक हो जाएंगे, है ना। बट तुमको भी हिम्मत रखना पड़ेगा, जो मैंने कल आपको समझाया था ना, हिम्मत तो रख रहा हूँ मगर ये इसके लिए, इसी के लिए हिम्मत रखना है ना, क्योंकि ये अगर पूरा सूज गया है आपका ना, पूरा एकदम सूज गया ये, तो वो जो दवा दिए थे कल डॉक्टर ने उसको ऐसा लगाने के लिए, उससे आराम पड़ता है, दो बार लगाया, आराम पड़ता है उसे थोड़ा सा, थोड़ा ये उतना सूजा हुआ नहीं है, बाथरूम जा रहे हो आ रहे हो, हाँ अच्छा जाके आ सकते हैं अभी, ठीक है। कल तो मम्मी को चलने नहीं हो रहा था, कैसे कैसे हम लोगों ने बाइक पे बैठाया, कैसे कैसे लेके गए, बहुत तकलीफ था कल तो, अभी जो ठीक है, ठीक है, ओके, वो हो जाता है अभी क्या, ब्लॉगिंग के चक्कर में हो जाता है, तो ठीक हो जाएगा, आज नहीं तो कल ठीक हो जाएगा, तुम लोग भी चिंता मत करो, ठीक है, चलो मैं खाना खा लूँगा। तो फिर खाने में क्या आज है? दाल चावल मटर, हम बिस्मिल्लाह कर रहे, आप भी कर लीजिए, आ जाओ। छोटा बर्गर, चलो चलो जाता हूँ मम्मी मैं, जाने दो हमको, जाने दो, जाने दो, जाने दो, जाने दो, जाने दो, या नहीं दोगे? कैसे भाई, ठीक? अभी मम्मी के पास इतना सारा दवा हो गया ना खाने के लिए, मेरे को देख के चक्कर आ रहा था कि इतना दवा कैसे खा सकता है। मुझे ऐसा लगता है कि दवा खाने से इंसान ठीक नहीं होता बल्कि और बीमार पड़ता है इन लॉन्ग टर्म। जितना कम हो सके उतना दवा हमें खाना चाहिए, क्योंकि हमारे बॉडी में भी इम्यून सिस्टम होता है जो इन सारी चीज़ों को, इन सारी बीमारियों को ठीक करता है। बट कुछ कुछ बीमारियाँ ऐसी है जिसके लिए दवा खाना ही पड़ेगा, लेकिन कोशिश करने का कि कम से कम हो, और खाना पीना, अगर दवा नहीं खाना है ज़िंदगी में तो खाना फिर अच्छा खाना है, और खाना अच्छा खाते हो ना तो आपका शरीर अच्छा रहेगा, अच्छा खाना खाने का, फ्रेश खाना खाने का, और एकदम सैनिटाइज रहने का, साफ सुथरे। क्या है कि ये दुनिया सिर्फ इंसानों के लिए नहीं है ना, इस दुनिया में जानवर भी है, कीड़े मकोड़े भी है, बैक्टीरियाज है, वायरसेस हैं, कोरोना है। अरे सिग्नल है, चलो भाई ये थोड़ा रिस्की भी हो जाता है। क्या है कि सिग्नल पे हम ऐसे भगाते हैं, और फिर कुछ कुछ लोग ऐसे होते हैं जो ग्रीन नहीं येलो देख के ही भगाने लगते हैं। अभी मम्मी जी को ऐसे देख के लग रहा है कि हम एक ट्रिप पे जा सकते हैं, समीर संभाल लेगा सारी चीज़ें यहाँ पर अगर कुछ इमरजेंसी हुई तो, क्योंकि क्या होता है कि ऐसे सिचुएशन में ना मेरा प्रेजेंस जो है वो मुंबई में रहना ज़रूरी है, क्योंकि कभी भी मेरी ज़रूरत पड़ सकती है। अभी क्या है, घर का मैं बड़ा बेटा हूँ, पूरी फैमिली का रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे ऊपर है। घर पे आने के बाद शाम को मैं चले गया मॉल में, क्योंकि मुझे कुछ मॉल से सामान लेना था। संडे का टाइम था और मॉल में था खचाखच भीड़, यहाँ पर आईपीएल का स्क्रीनिंग भी हो रहा था, लोग मजे से देख रहे थे। और जब शॉपिंग करके हो गया तो आते वक्त मुझे देखने का मौका मिला डिफेंडर को, देखी थी डिफेंडर मैंने रोड पे, लेकिन कभी ऐसा नजदीक से देखा नहीं। और नजदीक से देखने के बाद ऐसा लगा कि यार ये कार मुझे सूट करती है। वहाँ एक सब्सक्राइबर भी मिले, उन्होंने भी कहा सूट कर रहे हैं, लेना चाहिए। मेरी हाइट 5'10" या 11 होगी, और ये गाड़ी देखो, इसको अगर रोड पे चलाएंगे तो लगेगा कि भाई कोई गाड़ी चल रही है, लेकिन वन ऑफ माय ड्रीम कार। इसको मैंने बहुत अच्छे से देखा, निहारा अपनी आंखों से, दो चार फोटोज भी खिंचा लिए, सब्सक्राइबर्स भी मिले हमें, उन्होंने भी फोटो खिंचाया। इतनी बड़ी गाड़ी में जो इंजन दिया है वो सिर्फ 2 लीटर का दिया है, ये देख के मेरे को थोड़ा सा खराब लगा। बट प्राइस देखो, इसका जो एक शोरूम प्राइस स्टार्ट होता है 97,45,000, ऑन रोड पड़ेगी ये 1,27,98,170 रुपए। प्राइस देख के दिमाग चकराया, लेकिन इंशाल्लाह कभी ना कभी जरूर।
उसके बाद अपनी बाइक के पास गए, बाइक लिए और निकल लिए। बाकी ब्लॉग होता है यहाँ पर समाप्त। जब एसी चालू करना होता है तो सब खिड़की उड़की बंद कर देती है। वो भी बंद करना है, वो कैसे बंद करोगे, वहां पे हट जाती है तुम्हारी। ओ हो ओ ओ हो हो हा हा हा। अरे रे रे, हो गया हो गया हो गया हो गया। वाह माशाल्लाह, वाह हो गया।